सल्ला बहन जी के साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। बहुत नेक औरत है, अपनी जगह तो बिल्कुल सही है, हमें माफी जरूर मांगनी चाहिए। बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन अनुपम हमें ना एक बात की बहुत टेंशन हो रही है। वाह, अब कौन सी टेंशन हो गई? अरे हमारी गुड़िया उस खूसट शांतिया के घर बहू बनकर गई है, रोज उसको उसका तांडव सहना पड़ेगा और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वाह, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ, कल भी आपने यही बात बोली थी। रिया की विदाई हो चुकी है, अब ये सब बोलोगे ना तो हमारे मन में फिर से परेशानी हो जाएगी, मत बोलो। अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिया बहुत लकी है कि उसे शिवम मिला है, और फिर शिवम की बहनें भी तो कितनी स्वीट हैं, और सबसे बड़ी बात रिया को मम्मी जैसी सास मिल रही है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे घंटिया ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, कितने प्यार से वो गुड़िया को हार पहना रही थी, हमने देखा था वो चंद्र हार, इतना खूबसूरत था और हमारी गुड़िया के गले में कितना सुंदर लग रहा था ना। अब सुना सुना हो गया है ना। बंसी भैया, हाँ एक कमरा में ताला रहा, हो न हो पैसा यही, हाँ, पैसा यही होना चाहिए, बाकी तो कहीं मिला ही नहीं। हाँ तो ढूंढो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। यो ना, अरे राजेंद्र यहाँ तो बड़े कच्चे लोग रहते हैं, कमरे में कोनो पैसा वैसा नहीं रखा है, ताला इतना बड़ा लगा के रखा है। उनसे बड़ा कुच्चा ना हम लोग हैं, अब क्या करेंगे, पैसा नहीं मिला तो का भाई जो सामान दिखाई दे रहा है ना, हाँ? इन सब बटोरेंगे। हाँ सब सब सामान ले लेंगे, कछु नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे हम, ले ले बिछा और ये तो बड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, एकदम नया जैसा, इसको भी रख लेते हैं। हाँ धरो जल्दी, पैसा मिलेगा। रिमोट ले ले, रिमोट ले, उसके बिना कैसे चली। हाँ ले ले ले। और अरे हाँ वो उठा, ये फ्रेम देख, अरे बड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, अरे सोने का जैसा दिख रहा है, काम करते इसको भी निकाल लेते हैं। हाँ निकाल, निकालते हैं। माला हम नहीं चाहिए, फेंक दे रहे हैं। चंदन का खुशबू लेके रखता। हाँ हाँ बात 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 बात। अरे हाँ, ताला भी उठा लो, उठा लो, उठा लो, बंगाल बिक जाए। हाँ हाँ बंगाल के बाबू बेच डालेंगे, चल दरवाजा बंद कर, जल्दी से चल 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 चल। एक काम करते हैं, यहाँ सिर्फ चलते हैं, हाँ नहीं तो कब बिटिया भी आओगे। हाँ हाँ अब निकल लेंगे, यहाँ लगता है लोग आ गए, हम भागते हैं, चल 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 भागे, भागो जल्दी, चल रहा है यार तुम तो आओ वहाँ, अरे भाग भाग। साथ में तो निकले थे, कहाँ रहेगा ये लोग पता नहीं, वो देखिए वो आ रहे हैं। अरे सल्ला कहाँ, मतलब क्या हुआ? अरे ये कहाँ, अमित वहाँ कहाँ रह गया, कहाँ हो रहा है? भैया अमित अब इस घर में आना नहीं चाहता ना, तो वो काम आना नहीं चाहता, मतलब कहाँ है, कहाँ वो? अरे वो बीच रास्ते में ही गड़िया से उतर गया, इतना गुस्से में था, हम कहाँ बताएं।
अरे कमाल, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा लड़का शादी के दिन पे घर आता है, 20 रास्ते में उतर गया, तुमने रोका नहीं उसको? उन्हें कोशिश की थी ना नहीं करेंगे का, वो नहीं माना, बहुत गुस्से में था। तो हमें इतनी टेंशन हो रही है, जाने कहाँ चले गया। ये कैसी लड़कटी है, फोन लगाओ उसको तरफ। देखो नहीं उठा रहा हो, जानबूझ के नहीं उठा रहा हो फोन गुस्से में। हमें मालूम है वो इस घर में कभी नहीं आएगा। अरे तुम चुप करो जरा, सुन मेरे। नहीं सॉरी, ऐसा नहीं होता। पंडित जी, अमित तो है नहीं यहाँ पर, क्या करें? गृह प्रवेश कर दे क्या, उसके बिना हो सकता है सर? नहीं राघव भैया, ऐसे कैसे अंदर ले जाएंगे आप? पहली पहली बार बहुएं अपनी ससुराल आ रही है, गृह प्रवेश बिना पति के कैसे संभव होगा, आप ही बताइए। हाँ एक काम हो सकता है, अगर आप कहें तो शिवम बेटा और रिया बिटिया का गृह प्रवेश करा दे। नहीं नहीं पापा, मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अमित भैया को लेकर आता हूँ ना। तुम कैसे लाओगे बेटा, तुम जानते हो का कि वो कहाँ है? आप फिक्र मत कीजिए बुआ जी, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। निमी चाबी लेकर अंदर चल, जल्दी ले आना। क्या बताएं, हम तो बहुत दुखी हो गया बेचारा। सुनो जी, आराम से जाना है जरा जी, खुद भी थके हुए हो अभी। शादी थी ना तुम्हारी आज? तो कल नाचे खाते हो गई शादी का। अबे शादी तो की हो, हैं? कोई मर थोड़ी गया जो यहाँ पे आके मातम बना रहे हो। अरे लगता है इसकी औरत किसी और के साथ भाग गई है। अबे अब अगर तुम्हारी जबान हिली भी ना तो मम्मी कसम खा के कह रहे जहर बन जाएंगे यहीं। मजाक कर रहे हैं, इतना चढ़ काए रहे हो? तू सुनबे, अब कुछ बोला ना तो भरी बाजार में तेरे को बांकेलाल बना देंगे। चल निकल तू ले राजा। तुम तो काफी ईमानदार आदमी निकले। शादी होने के बाद पैसा देने का वादा किया था और शादी होते ही पैसा देने आ गए। वाह, दिल खुश कर दिया तूने। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी? कम से कम शादी का जोड़ा तो उतार के आता। अबे दे देंगे तुम्हारे पैसे, जाके बोल दे अपने बाप को। अच्छा पैसे नहीं है और जुआ खेलने के लिए पैसा? ओए सुन, कहानी सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बकवास बंद कर। भाई भाई को जाके बोल दो यार, पैसे दे देंगे, आज नहीं दे सकते, जाके बोल। अम्मा हम अंदर जाकर तैयारी कर ले गृह प्रवेश की। करे खुशियाँ नई बहू के स्वागत में देर बर्दाश्त नहीं होत का? अरे नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि हम देख रहे हैं खुशी फूट फूट के निकल रही है। हमारा कहने का मतलब ये था कि दोनों ऐसे चौखट पे खड़ी है, गृह प्रवेश की तैयारी तो कर ले जब तक अमित आ जाएगा। तो हम कहाँ रोक है, जाओ करो तैयारियां। क्या हुआ? अमित का फोन है, अमित का है। मम्मी हेलो।
हाँ हाँ मम्मी पार्लर से फोन है, जरूरी काम है ना, तो इसलिए। इतनी सुबह कौन से पार्लर में जरूरी काम होता है भाई, ये कोई टाइम है का पार्लर का? मम्मी एक सेकंड ना, आते आए। तुम्हारे भाई की शादी हो गई या अभी भी? हाँ हो गई। तुम बताओ अब क्या नया सरप्राइज है? सरप्राइज तुम कहो तो शादी की तैयारी शुरू करें। गॉड सच बोल रहे हो? हाँ क्यों हमें ना ये मिडिल क्लास रस्में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम चाहते हैं हमारी शादी हो ना तो बहुत धूमधाम से हो, बहुत महंगा महंगा खाना हो। हम 1 लाख का लहंगा तो जरूर पहनना चाहेंगे और फूलों की डेकोरेशन हो, बहुत अच्छे से हो शादी। और अगर ऐसे ना हो ना तो फिर भाग के शादी कर लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। गुड आइडियाज था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ये रीति रिवाज ये रिचुअल्स कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखते। अगर कुछ इम्पोर्टेंट रखता है तो वो हो तुम। अच्छा लेकिन तुम भाग के शादी करोगे तो तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे? मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मुझसे बहुत प्यार करते हैं सब। तो तुम्हारे घर में कोई है जिसे तुम्हें डर लगता है? डरता नहीं पर हाँ अपने बड़े भैया की बहुत इज्जत करता हूँ और हमारे घर में सब उनका कहना मानते हैं। अच्छा बिग ब्रदर्स, तो वो जो कहते हैं वही फाइनल होता है, तुम्हारे मम्मी पापा भी उन्हीं की बात मानते हैं? हाँ लेकिन होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। अच्छा अच्छा सुनो, सब ना हमारी तरफ ही देख रहे हैं, वो घर में गृह प्रवेश की रस्में चल रही है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे ठीक है? ओके बाय बाय। चलो चलो रखते हैं बाय। क्या हुआ है इतनी लंबी चौड़ी बात? अब फोन पे ही बाल बना रही थी का? नहीं नहीं वो बस कुछ नहीं। घर चलिए। और ये जुआ खेलना अच्छी बात नहीं। अबे तू ज्यादा महान मत बन समझा, चल निकल यहाँ से। देखिए घर चलिए, भाभी आपका इंतजार कर रही हैं और घर वाले भी। तो हमने क्या सबका ठेका ले रखा है काबे? हैं? देखिए आप मेरी बात सुनिए। अबे वो तेरी बात सुनूंगा मैं, जाओ जाकर दिवाली मना, हमें बर्बाद करके ना यहाँ चौधरी मत बन। और यही चाहते थे ना तुम और तुम्हारा परिवार, जाके शादी के लड्डू बांटो, हमारा दिमाग मत चाटो, नहीं तो बता रहे सारी की सारी हीरोगिरी ना यही निकाल देंगे। देखिए आप घर चलिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना आपको। अबे तुम्हारे समझ में कि आप हमसे बड़े हैं इसलिए आप पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन अगर आपकी हरकतें ऐसी रही तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा। घर चलिए। ऐसा रुकियाना के घर पे हमारी भाभी इंतजार कर रही हैं और हमारे घर वाले भी, तो अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो। दिमाग खराब हो गया बोला राजा का? इनका कर का खाए ऐसे हाथ पांव बांध के लाता है कोई? क्यों लाया है ऐसे हाथ पांव बांध के अमित को? का पगला गया है? का हो रहा है? हमारी पहले बेइज्जती कम हुई थी जो इसमें बाकी है भैया? का सुनो बड़ा भाई है तुम्हारा, इस तरीके से हाथ बांध के लेकर आयो यहाँ पे काहे?
नहीं भैया, बिल्कुल सही किया इसने, वरना ये महाराज तो टस से मस नहीं होते। अरे ऐसे तुम बाप पक्ष के मुंह बंद रखो ना, लड़के से पता तो करो हुआ क्या है। देखो जरा इसको, ऐसे हाथ पांव बांध के ले आया है अपने भाई के, है? इस सब का इसकी अकल का त्योहार मनाने चली गई है, हुआ क्या है? इसकी शादी हो गई तो इसको ज्यादा अकल आ गई है, बहुत समझदार हो गया है, ऐसे अपने भाई के हाथ पांव बांध के ऐसे इनको करता है। माफी मांगो, माफी मांगो। हुआ भैया आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हाथ पांव बांध कर लेके आना पड़ा। तैयार नहीं थे तो हाथ पांव हमने जानवर जानवर हम तो पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, बिना उठाए बिना बताए हाथ बांध दिया लेके आ गया। शुभम बड़ा भाई है तुम्हारा, माफी मांगो, मांगो माफी, छोटे नहीं हो जाओगे, मांगो जल्दी चलो। सॉरी चलो अंदर चलो, घर के बाहर तमाशा नहीं चाहिए बिल्कुल, चलो अंदर। शिवम आप कर लो। रानी की आरती वारती हमारी बहू में तो हमें कोनो दिलचस्पी नहीं, दूसरे की बहू की आरती हम का उतारे। तुम्हें उतार लो भाभी, तुम्हें उतार लो, दोनों की आरती उतार लो। देखा खुशिया है, इतना बड़ा दिल है हमारी सरला, तुम्हें खुशी भोग लो हैं? करो देख जी, आओ बेटा तुम दोनों। अम्मा जी निछावर के लिए कुछ। हाँ हाँ दे रहे, इतनी उतावली काय हो रही है ये बिट्टू रानी जी। ये लो दो, तुम्हारी अम्मा को दो। छाती जलता लिख रहा चाहिए स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।